आपके मैं हूँ ममता सिंह। करेंगे रुख और भी खबरों का, उससे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। झोलाछाप डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन का चला रहे हैं नर्सिंग होम, प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत। थाना मोहनगंज शाहमऊ स्थित लक्ष्य हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से हुई प्रसव के बाद महिला की मौत। हॉस्पिटल पर ही परिवार के लोगों ने जमकर काटा हंगामा। घटना की सूचना पर थाना मोहनगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी है। बताते चलें कि जगदीश नगर कॉलोनी आगौना निवासी हसीफ की पत्नी साजिया उम्र 28 वर्ष की प्रसव के दौरान कल रात में मौत भर्ती कराया गया, जिसका रात में ऑपरेशन डॉक्टर आर के शर्मा के द्वारा किया गया। शाम 5 बजे महिला की हालत खराब होने लगी और आधे घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पाकर परिजन क्लिनिक पहुंच गए। बढ़ती भीड़ देखकर डॉक्टर और स्टाफ क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने थाना मोहनगंज पर तत्काल दिया। मौके पर पुलिस बल पहुँच कर मामले की जाँच पड़ताल करने में जुटी है। वही ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर। मौके पर ग्राम प्रधान पहुँच कर लोगों को कराया शांत। परिजन लाश को लेकर गए घर। गंभीर नजाकत देखते हुए डॉक्टर अभी तक अस्पताल से फरार हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी ये क्लिनिक रही सुर्खियों में। कई हादसा होते होते बाल बाल बचे थे। मरीज कोई सुविधा डॉक्टर ना होने के बाद भी प्रसव से लेकर हर ऑपरेशन करने का लेता है ये डॉक्टर ठेका। गरीब मरीजों का कर रहा है शोषण। डिलीवरी के नाम पर चला रहा अपना गोरख धंधा। देखना यह है कि विभागीय आला अधिकारी ऐसे झोला छाप जानलेवा डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।